हे गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हो आप सब? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडिंग ऑफर। और शुरू करते हैं आज की लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडिंग ऑफर। इसे कॉन्टिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं और इसे ओपन ऑफर भी कहते हैं। स्टैंडिंग ऑफर, कॉन्टिन्यूइंग ऑफर, ओपन ऑफर, ये सब सिनोनिम्स हैं। इनमें से इन्हें कुछ भी कहिए, मतलब सेम है। तो समझते हैं ये होता क्या है। ये है ए और ये है बी। ए बी को ऑफर देते हैं कि मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा 1000 बैग्स ऑफ वीट फ्रॉम 1st January to 31st January। 1st January से लेके 31st January, फॉर एग्जाम्पल 2020 की बात कर रहे हैं, तब तक मैं तुम्हें 1000 bags of wheat सप्लाई करूँगा। अब एक बारी में तो बी को 1000 bags नहीं चाहिए होंगे और इसीलिए उन्होंने 12 महीने का टाइम रखा है। बी टाइम टू टाइम उसके जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो उनसे वीट का ऑर्डर प्लेस कर सकता है और फिर ए उसको वो सप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। ये जो ऑफर है कि मैं तुम्हें 1000 bags of wheat प्रोवाइड करूंगा 12 महीने तक के टाइम पीरियड में, इसी को कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, ओपन ऑफर, वन एंड द सेम थिंग। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए ऑफर। यहां पर ऑफर क्या है? ए ने ऑफर दिया है कि मैं तुम्हें 1000 bags of wheat सप्लाई करूंगा फ्रॉम 1st January till 31st December। ये ऑफर है जो 1st January से 31st December तक ओपन है। 1st January से 31st December तक ओपन है या स्टैंडिंग है, वहीं पे है, या कॉन्टिन्यूइंग भी कह सकते हैं। वो चल रहा है, वो ओपन है। अब एक्सेप्टेंस कब होगी? ऑफर है तो उसकी एक्सेप्टेंस होगी, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक्सेप्टेंस होगी जब बी अपना कुछ ऑर्डर प्लेस करेगा। सपोज 1st February को बी को 100 bags की रिक्वायरमेंट होती है, तो बी ए को कहता है ऐसा करिए आप मुझे 100 bags भेज दीजिए 1st February को। ये 100 bags का एक्सेप्टेंस है। ऑफर था 1000 bags तक आपको भेजूंगा 1st January से 31st December तक। 1st February को बी ने कहा आप मुझे 100 bags भेज दीजिए, तो 100 bags का उसने एक्सेप्टेंस कर लिया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 bags के लिए। अब ए इज बाउंड कि वो बी को 100 bags भेजे। ऐसे ही सपोज मार्च में बी को चाहिए 50 bags, फिर वो कहता है ए आप मुझे 50 bags भेज दीजिए, तो बी ने 50 bags का ऑफर जो स्टैंडिंग था अब बचे हुए 900 bags के लिए उसको एक्सेप्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट बना। अब ए को उसे 50 bags भेजने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे एक बात समझो, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इनविटेशन टू ऑफर के टॉपिक में। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला लेक्चर, वो वाला वीडियो, तो प्लीज़ देख लेना। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है? सपोज योगी सरकार ने टेंडर निकाले कि अयोध्या मंदिर बनाना है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन मटीरियल चाहिए। तो वो जो टेंडर निकाले, जो टेंडर निकाले वो ऑफर नहीं था, वो इनविटेशन टू ऑफर था। अब बहुत सारे लोगों ने उसको टेंडर को भरा, जिसका एक्सेप्ट हुआ वो ऑफर है। मतलब जिन्होंने सबने टेंडर भरे उन्होंने अपने अपने ऑफर दिए, जिसका एक्सेप्ट हुआ वो ऑफर है। अब एक बारी में तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिएगा नहीं, हर स्टेज पे चाहिएगा। एक बारी में पूरा अगर टेंपल का, जितना अयोध्या मंदिर को बनाने का सामान चाहिए, वो लाके तो रख नहीं सकते। तो टाइम टू टाइम योगी सरकार
जिसका ऑफर, जिसका टेंडर निकला है, जिसको टेंडर एक्सेप्ट हुआ है, उससे सामान मंगवाती रहेगी। टेंडर भरने वाले ने ऑफर दिया, वो ऑफर स्टैंडिंग ऑफर है, कंटिन्यूइंग ऑफर है, जो भी टर्म्स डिसाइड हुई हैं उस पे, जैसे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन है, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक दिन में तो सामान नहीं चाहिए होता, इसलिए वहाँ पे स्टैंडिंग ऑफर्स होते हैं जो एक पीरियड तक रहते हैं। धीरे धीरे जितनी जितनी ज़रूरत होती है उतना उतना सामान मंगवाते रहते हैं। जैसे इसने 100 बैग्स 1 फरवरी को मंगवाए, उसने उतना ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उतने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो उसको भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम उसको 50 बैग्स की ज़रूरत पड़ी, उसने उतना ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको 50 बैग्स भेजने पड़ेंगे। अब वैसे ही उसको 900 बैग्स साल के बाद, साल में यूज़ करने के बाद उसको और 100 बैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1000 बैग्स का ऑफर था ना, उसका 900 में काम चल गया, अब उसको बाकी बचे हुए 100 बैग्स की, 100 बैग्स की ज़रूरत नहीं है, तो उतने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उतने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, 900 बैग्स तक का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, दैट इज़ इट। वैसे ही सपोज उसने 1000 बैग्स का कॉन्टिन्यूइंग ऑफर रखा है, 900 बैग्स उसने सप्लाई करे, अब उसने देखा अरे मैं और 100 सप्लाई नहीं कर पाऊँगा, इससे पहले बी कहता मुझे और 100 भेजो, उसने उस ऑफर को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। अब कोई ऑफर है ही नहीं तो एक्सेप्टेंस होगी कहाँ से, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ये थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं एक केस की हेल्प से। अभी आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि स्टैंडिंग ऑफर होता क्या है। जैसे कोई टेंडर निकला है तो वो इनविटेशन टू ऑफर है, जिसने टेंडर भरा वो ऑफर दे रहा है, वो ऑफर कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए जो भी डिसाइडेड है उस पर स्टैंड करता है, ओपन रहता है, कंटिन्यू रहता है, जैसे जैसे ज़रूरत होती है दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती रहती है, उतने उतने पोर्शन का कॉन्ट्रैक्ट बनता रहता है, इसीलिए उसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंड कर रहा है वो उस टाइम पे, या कॉन्टिन्यूइंग ऑफर, वो कंटिन्यूएशन में है, या ओपन ऑफर, मतलब ऑफर अभी भी ओपन है, कम एंड एक्सेप्टेड। इस केस से समझते हैं, ये बंगाल कोल कंपनी है, इन्होंने वाडिया ग्रुप के साथ एक डील की कि वो उन्हें कोल सप्लाई करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ सपोज 1 ईयर, ठीक है। अब वाडिया ग्रुप को जरूरत पड़ी तो उन्होंने 1 जनवरी 2020 को कहा, सर बंगाल कंपनी, कोल कंपनी, आप हमें 200 टन कोल भेज दो। ओके, उन्होंने भेज दिया। अब फिर उनको ज़रूरत पड़ी सॉरी, तो उन्होंने कहा अब आप हमें 500 टन कोल भेज दीजिए, उन्होंने भेज दिया। वो भेजने के बाद उनको लगा अब वो और कोल नहीं भेज पाएंगे, तो उन्होंने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया, ऑफर विड्रॉ कर लिया, या कहूँ तो इसको रिवोक कर दिया। ये रिवोकेशन क्या है, रिवोक क्या होता है, ये मैं आपको रिवोकेशन ऑफ ऑफर जब पढ़ाऊँगी तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसको सीधा सा समझ लीजिए कि उन्होंने ऑफर वापस ले लिया, अब कोई ऑफर नहीं है। अब उसके बाद 1 अगस्त को वाडिया ग्रुप कहता है, सर 300 टन कोल और भेज दीजिए। लेकिन अब बंगाल कोल कंपनी कहती है नो। अब बातचीत तो 1 साल की हुई थी, लेकिन उन्होंने मई के बाद उस ऑफर को विड्रॉ कर लिया, मई में सप्लाई किया लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑफर विड्रॉ कर लिया। तो अब जब ऑफर है ही नहीं तो वाडिया ग्रुप एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, ऑफर तो स्टैंड कर ही नहीं रहा, ऑफर तो विड्रॉ हो गया, देयर इज नो ऑफर इन पिक्चर, तो अब कोई एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। इसलिए जब अगस्त में वाडिया ग्रुप कहता है कि अब हमें इतना कोल और भेज दीजिए, तो वो बाउंड नहीं है उसको भेजने के लिए। लेकिन वाडिया ग्रुप इनको कोर्ट में ले गया कि सर यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रीच होता है तोड़ देना, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड थे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना। लेकिन जज कहते हैं नहीं, अब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, अब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिंपली एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफर था कि हम आपको 1 साल तक कोल सप्लाई करेंगे। जैसे जैसे वाडिया ग्रुप ऑर्डर प्लेस करता था, कहता था इतना कोल भेजो, इतना कोल भेजो, वो उसे एक्सेप्ट करता चला जाता था, और उतने 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 पोर्शन के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता चला जाता था। लेकिन जब उन्होंने अपना लास्ट ऑर्डर प्लेस किया, जिसे बंगाल कोल कंपनी ने पूरा नहीं किया,
उससे पहले वो ऑफर विड्रॉ कर चुके थे. व्हेन देयर इज नो ऑफर, ऑफर विड्रॉ हो चुका है तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं. तो जब आप कह रहे हो कि इतना कोल भेज दो अगस्त में, देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस, सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ऑलराइट, हमने क्या समझा? स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर जो एक पीरियड के लिए स्टैंड करता है, जैसे मैं आपको 1000 बैग ऑफ वीट दूंगी एक साल तक, ये ऑफर है. अभी सिर्फ ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इसमें एक्सेप्टेंस चाहिए. एक्सेप्टेंस होगी जब आप वो ऑर्डर प्लेस करोगे, जब आप मुझसे कहोगे 100 बैग, 200 बैग या एक ही बारे में 1000 बैग आप मुझे दे दीजिए, तब आपने एक्सेप्ट किया, तब वो बना कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन एक्सेप्टेंस हो उससे पहले उस ऑफर को विड्रॉ किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है. सिमिलरली ये ज़रूरी नहीं है कि 1000 बैग की डील बात हुई है तो मैं 1000 ही, आप 1000 ही मंगवाएं मुझसे, आपका 900 में काम चल गया, दैट्स इट. आपने और बाकी 100 के लिए ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. एक छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया हो. फिर भी कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा. सो आई विल एंड दिस लेक्चर विद दिस थॉट जो थॉमस एडिसन का बहुत ही प्यारा है. आई विल नॉट से आई फेल्ड 1000 टाइम्स, आई विल से दैट आई डिस्कवर्ड देयर आर 1000 वेज दैट कैन नॉट वर्क. बहुत ही पॉजिटिव थॉट है, 1000 बार मैं फेल नहीं हुआ, अब मुझे 1000 तरीके पता हैं जो काम नहीं करते, तो अब मैं जो नया तरीका निकालूंगा होपफुली वो काम करेगा. वैसे ही नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड इन लाइफ, देयर इज स्टिल देयर इज अ वे बाय विच यू कैन सक्सीड. ऑन दिस नोट हैव अ गुड डे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू, बाय बाय.